मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सुप्रभात आप सभी को। मेरा प्रणाम है और मेरे छोटों को जी भोर आशीर्वाद। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के नए ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे कमरे से और अभी मेरे पतिदेव भी उठ चुके हैं, मैं भी उठ चुकी हूँ और आज ज्योति की ओर जा रहे हैं और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा, मतलब गंदा लग रहा। सरकारी क्वार्टरों में आने का फ़ायदा भी यही होता है कि बहुत सारे दोस्त मिलते हैं और नुकसान भी यही होता है कि फिर बहुत जल्दी बिछड़ भी जाते हैं। मतलब कुछ सालों का ही वो रहता है, 2-3 सालों का, बस इतने में लगाव हो जाता है। जब लगाव होता है तब तक जाने का टाइम आ जाता है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं मिलने भी नहीं गई उनसे क्योंकि करवा चौथ पर ही मैंने बोला था दीदी आपके घर होंगे मिलने, तो दीदी ने बोला मत आना, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। तो मैं मतलब कल शाम को तो ये गए थे दीदी और के घर में, परसों शाम को ही मिल के आ गई थी। कल शाम को उनके घर उनके जेठ और आ गए थे, फिर मैं नहीं गई। बहुत सारे हो जाते ना, मैंने कहा ठीक नहीं है, फिर तब मैं नहीं गई। तो मैं भी सुबह मिलने भी नहीं गई, सब वो आ रखे थे पूजा दी और मेरी हिम्मत नहीं हुई जाने की। मतलब मैं तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के रो दूंगी, मतलब ऐसा लग रहा था ना। आज ज्योति दी और जा रहे हैं, देखना ज्योति दी तैयार होके वहां पे खड़ी है, बेबी को भी पकड़ रखा मुझे लग रहा। अमित भैया और तैयार तैयार हो गए, जाने लग गए। मुझे तो बड़ा अजीब सा मन हो रहा, मेरा मेरी हिम्मत नहीं हो रही उनके पास जाने की। एक दूसरी वाली को अमित भैया ले आए देना, पूजा दी और भी जा रखे हैं मुझे लग रहा है। ज्योति दी इमोशनल हो गई थी, बस इसी वजह से नहीं जा रही हूँ, कल ही मिल के आ गई थी शाम को। अभी भी मन थोड़ा भारी भारी हो रहा। ज्योति दी एक बच्चा ज्योति दी ने पकड़ा हुआ था और एक अमित भैया के हाथ में देखा मैंने, पूजा दी के हाथ में था जब मैंने देखा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चों को पकड़ूं तो और ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये मुझे पीछे से बोले जाओ जाओ ना, मैंने कहा नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही जाने की। मतलब यहीं से हमारा क्वार्टर मतलब ऐसे ही था ना, फ्रंट पे उनका कमरा, मेरे से फ्रंट पे यहाँ पे दिखते रहते थे। मतलब कभी ज्योति दी टहलते हुए दिखती थी, कभी अमित भैया दिखते रहते थे, तो यहाँ से बात हो जाती, मतलब हेलो हाई दूर से ही। हम मतलब इतना अजीब सा लग रहा हूँ उनके कमरे को देख के ना, उदास सा। मैं तो हम तो कल रात को घूमने गए थे, उसी टाइम मैंने बोला इनको, मैंने कहा ये रही उनकी गाड़ी, शायद इसी में सामान जाएगा ना करके। तो फिर उसी टाइम मतलब ऐसा हो गया था अजीब सा, तब फटाफट वहाँ से इधर आ गए हम। फिर मतलब है ना ऐसे ही, बाकी देखते हैं। ये ड्यूटी जाएंगे अभी, तो अभी नाश्ता वास्ता बनाते हैं उसके बाद। अब उनके कमरे की तरफ देख के बहुत ज़्यादा सोना सोना लग रहा है। कैसा लग रहा? बेकार सा। ज्योति दी और ऐसे थे ना, उनके घर हमारा ज़्यादा आना जाना था, जाते तो सभी के घर थे पर उनके घर ज़्यादा था। जब से बच्चे हुए तब से तो हम ज़्यादा ही मतलब मैं ज़्यादा ही जाती थी, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब डेली बच्चों के पास चली जाती थी। अब उधर देख के इतना उदास सा लग रहा कि जैसे कोई नहीं होगा करके ना। ये कल शाम को गए भी थे वहाँ से, भैया ने बोला था कि उस ये सूरज था कि ये लेके जाना, तो ये लेने गए थे। मैंने ही बोला था भैया से कि अगर आप नहीं ले जाओगे तो हमें दे देना, ले जाओगे तो फिर ले जाओगे। तो उन्होंने कहा था नहीं मैं नहीं ले जा रहा, कि ले लेना तुम, तो ये गए थे लेने। तब बोल रहे थे मैं तो
अंदर भी नहीं गया कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था कि खाली खाली सा अच्छा नहीं लग रहा है कि सर सामान वगैरह रख रहे हो तो बहुत गंदा लग रहा। ये भी वैसे तो इमोशनल टाइप है ना, तो इनका भी मन वैसा हो जाता जल्दी से। जब वो जा रहे थे बाहर देखने भी नहीं आए, अभी उनका मन भी ऐसे ही हो रहा। ये पल बहुत बेकार होता है, बेकार कहीं से विदाई लो ना तो बहुत गंदा लगता है ना। और अभी ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि जैसे खाली खाली हो गया होगा, कोई नहीं होगा, मतलब यहाँ भी हमें भी अपने कमरे से ऐसा लग रहा है जबकि उनका कमरा उधर है हमारा इधर है, फिर भी मतलब ऐसा फील हो रहा। हैप्पी जर्नी दी, अगर आप ब्लॉग देखोगे तो। सच में आपके लिए अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मैं आपको मिलने आती पर मुझे पता था मैं जोर जोर से रो रही हूँ, उसके मैं नहीं आई। कोई बात नहीं, इंसान ठीक ठाक रहने चाहिए, मिलना जुलना होता रहेगा, कभी आप आओगे कभी हम आएंगे। हैप्पी जर्नी, बच्चों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, अमित भैया का ध्यान रखना। चलो नाश्ता वास्ता बनाते हैं, इनके लिए टाइम हो रहा होगा ड्यूटी डे। क्या बात, वही तो नहीं समझता तू। इन्हें देखो, इधर देखो, एक दिन हम भी चले जाएंगे यहाँ से, पता नहीं कब आएगा वो दिन, जल्दी आता तो बढ़िया था। अच्छा नहीं लग रहा, अभी उदास लग रहा हूँ। जिंदगी इसी का नाम है, तेल फूकेगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों का नाश्ता होने लग गया, सुबह सुबह 7:30 बजे ना, सुबह बोलते हैं 7:30 बजे सुबह ही तो होता है। हाँ तो होगा तो पहले बात, कुछ भी बोलते हैं इनके बातों को इग्नोर करें। तो अभी नाश्ता नुश्ता करते हैं, उसके बाद और सारा काम तब निपटेगा, पहले नाश्ता नुश्ता हो जाए, बर्तन बर्तन, उसके बाद होगा झाड़ू पोछा, पति देव के चले जाए एक बार, तो बस फिर आराम से। देखो इधर, देखो इधर, अब कमर दर्द हो या कुछ भी हो, काम तो करना ही है ना। कोई बात नहीं, कल मंडे, कल परसों देख लेंगे, तुम्हारे उसे। चलो दोस्तों नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों को हाय नहीं बोलोगे? कैसा लग रहा? कैसा लग रहा? किसकी याद आई? अमित भैया की। बच्चों की बहुत याद है, बच्चों की। जब पूजा दी और जा रहे थे ना, मतलब ज्योति दी और जा रहे थे, पूजा दी ने ऐसे गोदी में पकड़ा था, तो मैं फील कर रही थी कि ऐसे मैंने भी पकड़ा था जाके, फिर तो मैं तो जोर जोर से ही रोने लगती हूँ वहाँ पे, तो इसलिए मैं वहीं पे अपने दरवाजे पे ही थम गई, हिम्मत कर रही थी कि चली जाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, खाली पीली मैं ना जाते हुए ऐसे रोऊंगी, फिर उनका मन भी कितना ज़्यादा होता। वैसे तो ज्योति दी मुझसे भी ज़्यादा इमोशनल है, वो तो मुझसे भी ज़्यादा, पर फिर ठीक नहीं है ना। पूजा दी भी रो रही थी मुझे लग रहा, पूजा दी और उनका बॉन्ड तो काफ़ी पहले से है, वो देहरादून में भी साथ में थे और यहाँ भी साथ साथ। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा तो उनको कितना ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, नहीं वो तो इतने टाइम से साथ में थे, इसीलिए मैं तो परसों ही रात को चली गई थी। उस टाइम ये था कि मतलब थोड़े बीच में एक दिन और था, तो इतना ज़्यादा इंसान का मन उदास नहीं होता ना, तो मैं उसी टाइम मिल के आ गई और मैंने कहा कि
मैंने कहा कि अगर मैं आज ही मिलके चली जाती हूँ तो इतना ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, पर उस टाइम में मेरे को बुरा लगा था। अब मैं फटाफट बाहर निकल गई, बच्चों से मिलकर फटाफट बाहर आ गई। मैंने कहा ज्यादा देर रहूंगी तो ठीक नहीं है, है ना। तो मैं उस दिन भी फटाफट बाहर आ गया। आज तो मैं फिर गई नहीं, मैंने कहा नहीं जाना। दूसरी वाली पूजा दी भी आई थी, जिनके घर हम कीर्तन में गए थे वो वाली पूजा दी। और जो छोटी वाली पूजा है वो तो अपने घर जा रही थी छुट्टी पे। मैंने बताया था ना तब जब अमित भैया की पार्टी थी उस टाइम मैंने बताया था कि ये छुट्टी पे जाएंगे कल, तो वो छुट्टी पे जा रही थी। पता नहीं 2-3 तारीख तक कब आएंगे, मतलब दिवाली के बाद ही है उनके आने का प्रोग्राम। तब देखो क्या क्या होता है। हम नाश्ता कर लेते पहले, फिर मिलते आपको। बस नाश्ता पानी हमारा हो गया, मैं पति देव के जाने की तैयारी हो गई। लेट हो गया, जाओ हाँ, टाटा। तो मेरे पति देव तो चले गए, फटाफट बर्तन मांजती हूँ, फिर मैं थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, पोछा तो कल ही देखती हूँ। अभी फिलहाल झाड़ू मार देती हूँ। दोस्तों फाइनली मेरा सारा काम निपट गया, मैंने बर्तन वर्तन सब कुछ धो दिया और झाड़ू पोछा भी हो गया मेरा, बिल्कुल कर दिया मैंने साफ सुथरा। और आज मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मतलब उदास। अभी तो 1-2 दिन तक लगेगा ना, पर शुरू शुरू में लगता ही है। कैसा होता है ना कि हम कहीं जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद उन दोस्तों से बिछड़ जाते हैं। कितना लगाव हो जाता ना हमें एक दूसरे से, मतलब इतना ही टाइम है। अभी तो हमें 7-8 महीने हुए थे, 6-7 ही लगाओ आप, तो इतने में ही मतलब काफ़ी वो था। जब से बच्चे हुए ना तब से कंटिन्यू जाते थे, उससे पहले तो नहीं जाती थी कंटिन्यू, बहुत कम जाती थी। हफ्ते में भी नहीं, मतलब 15 दिन में ऐसे जाती थी। लेकिन जब से बच्चे हुए थे ना, बच्चों को देखने रोज़ भाग जाती थी मैं वहाँ ज्योति दी के पास। तब बस चलो कोई बात नहीं, खैर है ना, बढ़िया है, राजी खुशी जानी चाहिए सब यहाँ से। बस जहाँ रहे राजी खुशी रहे, नहीं यही ज़िंदगी का उसूल है, कोई मिलेगा तो कोई छूटेगा, है ना। चलो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी कल नए व्लॉग के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाटा।